मेरी एक वन ऑफ फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल नहीं है, सब की सब बातें प्रैक्टिकल हैं एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ टू मेक इट बेटर ऑन डेली बेसिस। मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और वो पर्सनैलिटी डिपेंड करती है वो अपने आप को कैसे देखता है, एंड अपने आप को देखने का नज़रिया डिपेंड करता है आपकी डेली हैबिट्स या रूटीन पर। मैंने इस बुक एटॉमिक हैबिट्स को प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से अप्रोच किया और इसमें जो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं नोटिस करने की वो है, अगर आप अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली एंड रिपीटेडली सही डायरेक्शन में फॉलो करते हो तो आपका अपने पे कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है और इस कॉन्फिडेंस से आपकी पर्सनैलिटी शेप अप हो जाती है टूवर्ड्स अचीविंग एनीथिंग। सो देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस बुक। नंबर वन इज स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म इज वेरी बेनिफिशियल, एज दिस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स का कंपाउंड इफेक्ट काफ़ी ह्यूज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हो मगर उसके बाद काफ़ी दिनों का गैप आ जाता है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा कंपेयर टू अगर आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करोगे। सो लॉन्ग रन में सिंपल हैबिट्स किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एकदम सही तरीका है। ऐसे में पेशेंस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्वायरमेंट क्रिएट करने की, ऐसा इन्वायरमेंट जिससे हैबिट्स को परस्यू करना काफ़ी ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस, उसके लिए इट्स अ गुड आइडिया टू कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू। सो उससे खाने का मेंटल रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा एंड यू कैन ईजीली फॉलो दीज हैबिट्स। टू परस्यू दीज हैबिट्स कंसिस्टेंटली इज टू कीप अ रिकॉर्ड व्हेन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ हैबिट। इससे एक तो आपको इमीडिएट रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन मिलेगा टू कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली एंड सेकेंडली क्लैरिटी भी मिलेगी दैट विल हेल्प यू टू सी इफ यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन और देर इज अ नीड टू एडजस्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।